यहाँ पे अशर भाई दो सवाल है बिफोर वी एंड. एक तो ये कि क्या ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो बेहतरीन सेक्टर है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है वो ऑयल एंड गैस है. सेकंड ये कि सेकंड बेस्ट कौन सा है? यार, ऑयल एंड गैस इज वन ऑफ देम डेफिनेटली. दूसरा मैंने कहा कि विच मेक्स द मोस्ट सेंस टू मी इज दैट, जो कि आई डोंट नो, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि उसमें बहुत पैसा बन सकता है ये नहीं, बट डेफिनेटली आपका पोजिशन, आपका पोर्टफोलियो बेहतर पोजिशन हो सकता है. वो उस कंज्यूमर स्टेपल्स हैं एसेंशली. मैंने बताया ना कि जैसे कॉस्को है, स्टफ लाइक कॉस्को, ये आपको एक डाउन ट्रेंड में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. कि जो कुछ कंपनीज हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक हुए हैं, उस पर हम आगे भी बात करेंगे. कमोडिटीज में और भी इंडस्ट्रीज है ना, कमोडिटीज में से ऑयल थोड़ी है, मतलब फर्टिलाइजर्स मार्केट है, यूरिया प्रोड्यूसर्स जो हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हेज हुए हैं, गैस कॉन्ट्रैक्ट्स हेज हुए हैं, उन पे आप देख सकते हैं. बट दोज आर लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस जो आपको करनी पड़ेंगी. तो कुछ ब्रॉड थीम्स हैं, ब्रॉड थीम्स है कमोडिटीज ऊपर जा रही हैं. ब्रॉड थीम ये है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, देयरफॉर जो कंज्यूमर स्टेपल्स है, सेक्टर है, वो मतलब आउट परफॉर्म रिलेटिव शायद कर जाए. तो ये कुछ ब्रॉड थीम्स हैं जिनको देखते हुए मैं कुछ कह सकता हूँ. टेक रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स हैं वो तो मतलब उनकी तो बैंड बजी हुई है, राइट. बट एट द सेम टाइम मैं फिर ये कहूंगा, आई विल से द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, मे बी दिस इज एक्चुअली अ बेटर टाइम फॉर यू टू गेट इनटू दोज सिक्लिकल स्टॉक्स जो कि आपको लगता है कि साइकिल के लोज बना चुका है, एंड देयर फॉर दिस इज एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक मनी आफ्टरवर्ड्स. और मुझे पिछले हफ्ते ही मैंने बात की थी ना कि मैं किसी ट्रेडर से बात कर रहा था, तो मुझे कह रहा था कि बहुत पैसा बनने वाला है 3 से 4 साल के बाद, यू नो. एंड आई एम पोजिशनिंग माई पोर्टफोलियो फॉर द 3 to 4 years अहेड, के जो 2-3 साल बाद जो साइकिल निकलेगी ऊपर, वो जो साइकिल होगी ना उसमें पैसा बनेगा, और मैं आज उसके लिए पोजिशन कर रहा हूँ. तो भाई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में.